हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसके एग्जिस्टेंस एवं अगर यूनिक है तो यूनिकनेस किस तरह से चेक करते हैं, तो इसके लिए हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से हम प्रीवियस वीडियो में हम फेमिलियर हैं ही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है तो उसके हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती है और तीन केस फॉलो कर सकता है। फर्स्ट केस है द आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स विल कंटेन एन इनकंसिस्टेंट रो, यानी कि हमारे पास एक अगर सपोज कि ये आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स है तो हमारे पास यहाँ पे B1 वाली एंट्रीज हैं, तो एक एंट्री इस तरह से मिल जाएगी, यहाँ पे साइड रैम 0 और इधर नॉन जीरो नंबर, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो इनकंसिस्टेंट रो को होल्ड किए हुए है और इस कंडीशन में सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास ऑल द जीरो ऑल द रो ऑफ आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स आर कंसिस्टेंट एंड देयर आर नो फ्री पैरामीटर्स। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऑल द रोज यानी कि सारी रो जो है वो कंसिस्टेंट हो, यानी कि इसमें एंट्री वन इधर भी एंट्री हो, इधर भी कुछ एंट्री हो, इधर भी एंट्री हो, इधर भी एंट्री हो, इधर भी एंट्री हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है और कोई भी फ्री पैरामीटर नहीं है। फ्री पैरामीटर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास कि उसके जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। और थर्ड है हमारे पास ऑल द रो ऑफ आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स आर कंसिस्टेंट एंड देयर आर डी ग्रेटर देन 0 वेरिएबल्स दैट मस्ट बी सेट टू बी आर्बिट्री पैरामीटर्स। इसका मतलब हमारे पास ये हमारे पास इस तरह से जो मैट्रिक्स होगा वो कंसिस्टेंट तो होगा, ऑल द रो ऑफ आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स की इसके सभी रो जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगी, बट हमारे पास वहां पे एक ऐसा मैट्रिक्स या इसकी बात करें कि फ्री पैरामीटर्स, एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा या ऐसी रो मिल जाएगी जिसमें इस तरह से मिल जाएगी, यानी पूरी रो जो होगी वो आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स को कंटेन किए हुए भी 0 होगी। अगर इस तरह की कोई हमारे पास रो मिल जाती है आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स में, इस तरह की अगर हमें रो मिल जाती है इक्विलिब्रियम फॉर्म में चेंज करने के बाद, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो सॉल्यूशन जो होगा वो एक आर्बिट्री पैरामीटर्स को लिए होगा, यानी कि उसमें इस तरह से मिल जाएगा कि X1 को हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह इनफाइनाइट नंबर टर्म हो सकती है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या रिलेशन पता चले, अगर हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन मिल जाता है कि यहाँ पे सारे 0 और यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे सारे एक मैट्रिक्स अगर ये कैसे मिल जाती रो यहाँ पे ये 0 एंड यहाँ पे नॉन जीरो लास्ट टर्म नॉन जीरो, तो वो हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे पास इस तरह की एंट्री मिलती है कि यहाँ पे भी नॉन जीरो है यहाँ पे भी नॉन जीरो है तो सारे एंट्रीज, तो उस कंडीशन में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर हमारे पास ऐसी एंट्री मिल जाती है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से एक एंट्री जिसमें सारी टर्म नॉन जीरो है, सॉरी जीरो है, सारी टर्म 0 है, तो उस कंडीशन में उसके हमारे पास एक मिल जाए, एक से ज्यादा मिल जाए, तो उस कंडीशन में उसके आर्बिट्री इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट फॉर्म से चेक कर सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और लेक्चर होगा वेक्टर इक्वेशंस।